पिता बाल ठाकरे का पैंतरा भी उद्धव के नहीं आया का। इस्तीफे का डर दिखा भी नहीं बचा पा रहे पार्टी और अपना नाम। पार्टी में उठे बगावत के सुर भी उद्धव नहीं कर पा रहे शान। अब क्या उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे महाराष्ट्र की सरकार? महाराष्ट्र का सियासी घमासान फिलहाल तो शांत होता नजर नहीं आ रहा। उद्धव सरकार भी गिरती दिखाई दे रही है, ऐसी कि लग रहा है उद्धव तो अपना नाम तक नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में बंगाल के मुख्यमंत्री न जाने कैसे अपने लिए मौका ढूंढ ले रही हैं। जिस होटल में गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ठहरे हुए, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां धरना देने पहुंच गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस होटल के बाहर खूब हो हल्ला मचाया, जमकर प्रदर्शन भी किया। हंगामा कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायकों के खरीद फरोख्त की जा रही है, इसे रोका जाए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। ये बौखलाहट शायद इसलिए भी है क्योंकि गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के अकोला से विधायक एकनाथ शिंदे की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक लगातार उनको समर्थन देने गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। असम में डेरा डाले एकनाथ शिंदे के पास 7 और विधायकों के पहुंचने की खबर है, जिनमें से 3 गुरुवार की सुबह पहुंचे हैं और बाकी 4 बुधवार की रात को ही गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पहुंच गए थे। शिंदे का दावा है कि उनके समर्थन में विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि गुवाहाटी पहुंचे विधायकों का असल नंबर क्या है ये किसी को ज्ञात नहीं है। वही गुवाहाटी में जो एकनाथ शिंदे की मौजूदगी से माहौल बना हुआ है उसने उद्धव ठाकरे की परेशानी को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे बड़ी दुविधा में है, उन पर दोहरा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हाथ से जाती दिख रही है, साथ ही पार्टी भी हाथ से निकलती जा रही है। बुधवार को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के व्हिप पर सवाल उठाते हुए नया व्हिप नियुक्त कर दिया था। बागी विधायकों ने तो शिंदे को ही पार्टी चुन लिया था। इस तरह से पार्टी पर शिंदे का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी फिसलती नजर आ रही है। इस बात का आभास तब हुआ जब पार्टी में छिड़ी बगावत को शांत करने के लिए पहले वो अपना आधिकारिक आवास छोड़कर मातोश्री पहुंचे और फिर वहां से फेसबुक के जरिए लाइव हुए। फेसबुक लाइव में उन्होंने पिता बाला साहेब ठाकरे के नाम की दुहाई दी, यहां तक कहा कि पार्टी नेता कहें तो वो इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। लेकिन असर तो पार्टी नेताओं पर उद्धव के इस पैंतरे का भी नहीं दिखाई दिया, जबकि यही पैंतरा जब साल 1992 में बाला साहेब ठाकरे ने अपनाया तो काम कर गया था। पार्टी के अंदर से उठी बगावत की आवाज शांत हो गई थी, लेकिन वो बाला साहेब ठाकरे थी और उद्धव को समझना होगा कि उनके राज में और उनके पिता के राज में जमीन आसमान का अंतर है। उद्धव के व्यक्तित्व में और उनके पिता के व्यक्तित्व में, उद्धव की विचारधारा में और उनके पिता की विचारधारा में कितना अंतर है। उद्धव ने पहले इन बातों का ख्याल नहीं किया और आज जब पिता वाला पैंतरा आजमाया तो उसमें भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बल्कि और विधायक और सांसद उद्धव का साथ छोड़ छोड़ कर एकनाथ शिंदे के समर्थन में जाकर खड़े हो रहे हैं। 30 साल पहले साल 1992 में उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने भी संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाने पर कहा था कि उनका परिवार शिवसेना छोड़ रहा है, तो ऐसा बवाल मचा कि बड़ी संख्या में शिव सैनिक सड़क पर उतर आए थे, प्रदर्शन होने लगे थे। कई शिव सैनिक तो जान देने की भी धमकी देने लगे थे। पार्टी की नींव रखने वाले की पार्टी छोड़ने की घोषणा से पूरा संगठन हिल गया था। फिर सभी शिकायतों को किनारे रख बाला साहेब को मनाने की कवायद तेज हो गई थी। उस एक घटना के बाद जब तक बाला साहेब ठाकरे रहे उनके खिलाफ पार्टी में न बगावत हुई और न उनके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई। उस समय शिवसेना के ही एक पुराने साथी रहे माधव देश पांडे ने बाला साहेब ठाकरे और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा दिए थे। उनके भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे पर पार्टी के मामलों में काफी दखलंदाजी के आरोप लगे थे, जो बाला साहेब ठाकरे को बिल्कुल गवारा नहीं हुए। उन्होंने सामना में लिखा था, अगर एक भी शिव सैनिक मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ खड़ा होता है और ये कहता है कि हमने आपकी वजह से पार्टी छोड़ दी तो मैं इसी पल से शिवसेना अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहता हूँ। मेरा पूरा परिवार ही शिवसेना छोड़ रहा है। बस इसी पर बवाल हो गया था। ठीक इसी तरह अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ऐसे ही तेवर दिखाए। फेसबुक लाइव आकर साफ कह रहे हैं कि अगर कोई विधायक सामने से आकर कहेगा तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। उद्धव ने तो ये भी कहा कि जो नाराज विधायक हैं वो मेरे पास आएं और बात करें, मैं मुख्यमंत्री पद क्या शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को तैयार हूँ। इसी बीच एक जो बड़ा अंतर उद्धव और उनके पिता के बीच में निकलकर सामने आया वो ये कि बाला साहेब ठाकरे तक पहुंचना जहां हर किसी के लिए बेहद आसान था, वहीं उद्धव ठाकरे से मिलना तो बहुत दूर की बात है। पार्टी के ही नेता उद्धव से फोन पर बात करने को तरस जाते हैं।
ऐसे चल रही थी उद्धव ठाकरे की सरकार। ऐसे रवैये के बाद शिवसेना प्रमुख उम्मीद कर रहे थे कि उनका भावनात्मक संबोधन उन सैनिकों के साथ तालमेल बिठाएगा जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। लेकिन अफसोस, अब महाराष्ट्र के राजनीतिक उथल पुथल को संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं उद्धव ठाकरे। ऐसे में अब क्या विकल्प शेष रह गया है, अब क्या पैंतरा अपनाएंगे उद्धव ठाकरे जो बचा ले जा पाएंगे महाविकास अघाड़ी की सरकार? आपको क्या लगता है, अब क्या रास्ता अपनाएंगे उद्धव ठाकरे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।